हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस हमारे यूनिट थर्ड के एमसीक्यूज का। वो जो एमसीक्यू का पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिसने वो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के स्टार्ट में आपको बोलती हूँ टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फिर भी वीडियो के नीचे पहला कमेंट यही आता है कि मैम पीडीएफ कहाँ है, मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, उस लिंक पे जाओ, वहां से ज्वाइन करो एंड जितना अभी तक का मैंने जो भी पीडीएफ अपलोड किया हुआ है वो सारा आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। जो मेरी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी सुपरवाइजर एग्जाम के। इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन ओवर हो गया है, करंटली हमारी उसमें मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है प्लस एमसीक्यू सीरीज, जिसके पार्ट में हम आज यूनिट थर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे मैराथन 4 यूनिट्स के कंप्लीट हो गए हैं, अब यूनिट फिफ्थ बचता है। जैसे हमारे 5 यूनिट के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं स्कीम्स के एमसीक्यूज हैं वो करवाऊंगी, ठीक है। हिस्ट्री भी मैंने आपको, हिस्ट्री का लास्ट वीडियो रहता है वो आई गेस कल मैं हिस्ट्री का वीडियो अपलोड करूंगी लास्ट वाला। एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया है एंड कंप्यूटर के भी 2 या 3 वीडियोज बचते हैं, कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस आप जेके एस एस बी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्जाम के लिए या आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, या अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं केएस के लिए तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जनरल स्टडीज का जो कंटेंट है आने वाले टाइम में मैं वो अपलोड करूंगी, फाइन। प्लस अगर आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशियोलॉजी का जो पेपर ए है यूपीएससी सोशियोलॉजी का वो कंप्लीट करवाया हुआ है एंड पेपर बी हमारा जो है करंटली चल रहा है, जिसके बस लास्ट के 3-4 चैप्टर्स रहते हैं एंड वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सिंस दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आपको हार्ट के अंदर वो डॉलर साइन दिख रहा होगा, ठीक है। या चाहें तो आप वॉलंटियरली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको मेरा यूपीआई आईडी जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 3। आई होप मैंने कल अपलोड किया था इसलिए आज लेके आ रही हूँ सोल्यूशन, ये टाइम आपको दिया था कि आपने अटेम्प्ट किया हो ये यूनिट, आई होप आपने किया हो। जितनी अर्जेंसी आप दिखाते हैं मैम एमसीक्यू वीडियो लेके आओ एमसीक्यू वीडियो लेके आओ, आई होप वो अर्जेंसी आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने में भी दिखाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकसेस स्पेशली ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन, तो कौन सी ट्रीटी है जो हमने स्पेसिफिकली राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में जिसमें बात की थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जनरल था, जेनीवा कन्वेंशन में भी नहीं, पैरिस अग्रीमेंट आपके क्लाइमेट के रिलेटेड था, जेनीवा कन्वेंशन भी हमने 4 कन्वेंशन पढ़े हुए थे वो भी इसके रिलेटेड नहीं था। स्पेसिफिकली वुमेन की बात हुई, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, जिसको सीडॉ भी बोलते हैं शॉर्ट में। विच आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर टॉक्स अबाउट कंसेंट टू मैरिज, तो कौन से आर्टिकल में मैरिज की बात हुई है, दैट इज योर आर्टिकल 16, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ यूडीएचआर के टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। वेन वॉज सिडो एडॉप्टेड बाई यूएनजे, तो सिडो को कब अडॉप्ट किया था, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1979, आई होप आपने करेक्ट मार्क किया होगा। वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सिडो, तो प्राइमरी गोल क्या था इसका, इस्टेब्लिश करना मिनिमम वेज, नहीं मिनिमम वेज के रिलेटेड जो बातें थी वो मेजरली किसमें हुई है, आईएलओ में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा भी कुछ डिस्कस नहीं हुआ था, स्पोर्ट्स का भी नहीं हुआ था। तो आंसर वुड बी टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कहाँ पे, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फील्ड्स में। बीजिंग प्लस 5, अब हमने 4 इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंसेज पढ़ी थी, 4 इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज, ठीक है, वुमेन के रिलेटेड, फाइन। उसके मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, इसमें आने वाले क्वेश्चंस में उसकी बातें होंगी। तो उसके बाद एक बीजिंग प्लस 5 का सेशन हुआ था, ठीक है, बीजिंग प्लस 5 ये उन 4 कॉन्फ्रेंसेज के बाद था। तो ये जो सेशन था आपको बताने कहाँ हुआ था, क्या ये शंघाई में हुआ था, मेक्सिको, कीनिया और न्यूयॉर्क, तो ये सेशन हुआ था न्यूयॉर्क में। तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, आपको लगेगा बीजिंग है चाइना से रिलेटेड, चाइना की कैपिटल, तो हो सकता है शंघाई हो जो आपका चाइना में है, ठीक है। तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। आगे चलते हैं। वेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन हेल्ड, तो पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में मेक्सिको सिटी में, ठीक है। सेकेंड हुई थी कोपनहागन 1980, थर्ड 1985 नैरोबी, 1995 बीजिंग। तो काफी एविडेंट ये क्वेश्चन था और काफी
एविडेंट इसके मैंने आंसर सेट किए हुए हैं, ऐसा मुझे नहीं करना था. ठीक है, वट वॉज द मेन थीम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन 1975? तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नोट्स पे भी है. तो मेन थीम क्या थी? मेन थीम वॉज इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड पीस. तो जो पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है जो मेक्सिको सिटी में हुआ था, उसका मेन थीम था इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड पीस. देखो, अब जिसने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं वो भी ये वीडियो प्लीज जरूर देखना, क्योंकि पढ़ाने में ऐसी कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आ जाती हैं जो मैंने आपको लेक्चर्स में, हो सकता है मेरे से मिस हुई हूँ, आपको नहीं बताई हूँ. तो यहाँ पे हम वो सारी बातें भी देखेंगे. विथ सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्शन प्लान इमर्ज फ्रॉम द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हेल्ड इन बीजिंग. तो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए इसका एक क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है. तो इसमें कौन सा जो ग्लोबल एक्शन प्लान है वो बना था? वो बना था बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन, प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन. अगेन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. द थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वॉज हेल्ड इन नैरोबी 1985. वट वॉज इट्स की डॉक्यूमेंट? ठीक है, तो अब देख लो, आपको क्वेश्चन में ही पढ़ोगे तो रिविजन साथ साथ आपका क्वेश्चन में ही हो रहा है, आपको बार बार याद हो रहा होगा कि नैरोबी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1985 में. ठीक है, तो कंपाइल्ड पीडीएफ में गलती से 1986 लिखा था मैंने, इट्स 1985. तो इसका क्या डॉक्यूमेंट का नाम था? नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन. विच ऑफ द फॉलोइंग गोल वॉज एम्फेसाइज ड्यूरिंग द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन बीजिंग? ठीक है, तो किस गोल को एम्फेसाइज किया गया था? इट वॉज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. द सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हेल्ड इन कोपनहागन इन 1980 फोकस्ड ऑन विच प्राइमरी एरियाज? तो प्राइमरी एरियाज कौन से थे? अगेन आपको कंपाइल्ड पीडीएफ में भी मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको, इट्स इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन. ठीक है, तो देखो इस पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज पे कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, आपके जो फोर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है सब आपका इन क्वेश्चन के थ्रू उसका रिविजन हो जाएगा. हाउ मेनी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव आर इंक्लूडेड इन द बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन? ठीक है, तो जो बीजिंग का मैंने आपको लास्ट की कॉन्फ्रेंस कही थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रही थी वुमेन पे, तो किसके अराउंड थी वो, उसका वहां से हमें मतलब मेन फोकस क्या था उसका? इक्वालिटी एंड इक्विटी फॉर वुमेन. और उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस हुए थे, वो कितने थे? वो 12 थे. तो आंसर वुड बी सी. तो वो डिटेल आपको पीडीएफ से मिल जाएगी वो कौन कौन से थे. विच यूएन एजेंसी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज ऑन वुमेन? तो कौन सी है आपकी? वो आएगी यूनेस्को. यूनेस्को नहीं होगी क्योंकि यूनेस्को किसके बारे में है? ये प्रमोट करता है टू प्रमोट पीस थ्रू कॉपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस, कल्चर. आपको पता है WHO इज जो आपके हेल्थ के रिलेटेड है, यूनिसेफ किसके रिलेटेड है? चिल्ड्रन के रिलेटेड. तो आंसर वुड बी UN वुमेन. द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन 1995 इज ऑफन क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग विच की कॉन्सेप्ट इन जेंडर इक्वालिटी? नहीं, आई गेस ये क्वेश्चन में गलती है. इट इज़ नॉट फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हमारी बीजिंग में हुई थी जिसमें वुमेन इक्वालिटी, इक्विटी ये सब डिस्कस हुआ था. जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है ये आपका कॉइन हुआ था टर्म थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ हुई थी? नैरोबी में, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस. ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेना. नैरोबी थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस. तो ये आपका जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग होता है जो भी आप अपनी पॉलिसीज वगैरह, प्रोग्राम, एक्टिविटीज जो भी गवर्नमेंट करती है उसके थ्रू वो प्रमोट करें जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, जिसमें सारे जेंडर्स आए, कि सारे जेंडर्स इक्वल है, वो उनकी पॉलिसीज वगैरह में रिफ्लेक्ट करें. जेंडर कोटास किसके रिलेटेड होता है? ये बताता है वुमेन की क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेचर में. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. जेंडर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, पर्टिकुलर जेंडर के लिए हम लॉज लेके आते हैं. जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होता है जब हम किसी से बात करते हैं विदाउट अज्यूमिंग कि उनका जेंडर क्या है, मतलब हम काफी स्पेसिफिक नहीं करते हैं कि ये कौन सा जेंडर है. ठीक है, तो वो जनरली एड्रेस करता है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाइड इन द बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन? तो मैंने आपको कहा बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में कितने क्रिटिकल एरियाज थे? 12 क्रिटिकल एरियाज हमने उसमें बताए थे. ठीक है, तो वो मैंने आपको कहा था कि वो एक बार देख लेना कौन कौन से एंड वो याद कर लेना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन उनमें से आ जाए. तो उसमें वुमेन एंड जेनेटिक रिसर्च की कहीं बात नहीं हुई थी, उसमें वुमेन एंड क्रिप्टो करेंसी की भी बात नहीं हुई थी, आउटर स्पेस की भी बात नहीं हुई थी. तो आंसर वुड बी वुमेन एंड एनवायरमेंट. तो ये उन 12 क्रिटिकल एरियाज में से एक एरिया है.
अरेंज दीज इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये वाला क्वेश्चन तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से ही सीधे सॉल्व हो जाएगा. अब मैं ऐसा क्वेश्चन हमेशा रखती हूँ आपके एमसीक्यूज में, क्योंकि एग्जाम में भी कभी ऐसा हो जाता है ना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए उसको छोड़ देना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में कोई ऐसा आपको क्लू मिल जाए जिससे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू सेशन में ही होनी चाहिए. तो हमें पता है पहले हुई थी मेक्सिको ए, उसके बाद हुई थी कोपनहागन डी, फिर हुई थी नैरोबी सी, एंड लास्ट में बीजिंग. ए डी बी सी, ए डी सी बी, तो आंसर वुड बी सी. कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल राइट ऑफ वुमेन, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन, तो कब अडॉप्ट किया था? 20 दिसंबर 1952. सिडो इज कंसिडर्ड एज, इसको और क्या बोला जाता है? इट इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट फॉर वुमेन. तो ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है. सेक्स जेंडर सिस्टम, इट वॉज प्रपोज्ड बाई सिगमंड फ्रॉयड, एन ओकले, लेवी स्ट्रॉस और गेल रेबिन. तो सेक्स जेंडर सिस्टम जो है इसको किसने प्रपोज किया था? गेल रेबिन ने. ये उनने अपने एक ऐसे में ही टर्म दिया था, द ट्रैफिक इन वुमेन, द ट्रैफिक इन वुमेन है बेसिकली कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है. इसमें बात होती है बायोलॉजिकल सेक्स की और सोशल जेंडर की. जो जेंडर है वो कहाँ, कौन आपको देता है? सोसाइटी. जेंडर इज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है. और इस सिस्टम का क्या मतलब है कि आपके रोल्स इसी बेस पे अज्यूम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद क्या होता है, लड़की से अज्यूम किया जाता है कि वो लड़के के घर जाए, एंड कुछ रोल्स हैं जो लड़की से एक्सपेक्ट किए जाते हैं. अगर आप लड़की हो आपको ये काम करना है, ठीक है, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर बायोलॉजिकल सेक्स सोसाइटी में आपको कैसे रहना है वो डिटरमिन होता है. दैट एक्सप्लेन्स योर सेक्स जेंडर सिस्टम. और इसको प्रपोज किया था गेल रेबिन ने. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023. तो क्या है इसका? टू इंश्योर 1/3 रिजर्वेशन ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडीज इंक्लूडिंग दोज रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज. अब देखते हैं आगे. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज द कोडिफाइड वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज. किस लॉ को कोडिफाई करके हमने फाइनली हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो लाया था? तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, दयाबागा स्कूल ऑफ लॉ एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ जो है ये बेसिकली हिंदू लॉज ऑफ सक्सेशन है. हिंदू लॉज ऑफ सक्सेशन, तो मेजरली दयाबागा स्कूल फॉलो होता है असम एंड बंगाल में. मिताक्षरा स्कूल क्या कहता है? ये कहता है कि जो लॉ ऑफ पोजेशन है वो बाय बर्थ है, ठीक है. दैट मीन जो कोपर्सनरी राइट है कि बेटा किसी भी टाइम अपनी प्रॉपर्टी ले सके, कोपर्सनरी राइट, वो किसको मिलती है बाय डिफॉल्ट? वो मेल मेंबर को मिलती है. दैट मीन्स वो आपके सन को मिलती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है. आपको बर्थ डिफॉल्ट मीन्स ऑन द बेस ऑफ योर बर्थ आपको शेयर मिलता है प्रॉपर्टी का. एंड दयाबागा में क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं मिलता. अगर किसी के फादर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो होता है, डेथ के बाद बेटों के बीच में प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है. और इसमें क्या होता है मिताक्षरा में, ऑन द बेस ऑफ बर्थ जो है डिफॉल्ट ओनर कौन हो जाता है? प्रॉपर्टी का सन. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो कोडिफाइड वर्जन किसका है? वो कोडिफाइड वर्जन है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ का, ठीक है. संसारा संख्या कुछ नहीं है, ये हिंदू फिलोसफीज है, रिलीजियस फिलोसफीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 गेव हिंदू वुमेन द राइट टू बी कॉपर्सनरर्स और ज्वाइंट लीगल अर्स लाइक अ मेल अर डज, ठीक है. अभी रुकते हैं. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हैड ऑल द राइट्स रिजर्व फॉर वुमेन टू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हिंदू सक्सेशन एक्ट proclaim that women should not be granted property rights, नहीं. हिंदू सक्सेशन एक्ट इज ऑनली अप्लाइड टू हिंदूज, नहीं, क्योंकि बाई डेफिनेशन इसमें सिर्फ हिंदू नहीं आते, इसमें कौन कौन सा रिलीजन आते हैं, चलो वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी हमारे वीडियोज में. तो आंसर वुड बी ए, ठीक है. तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, अभी तक सिर्फ मेल है उनको ट्रीट किया जाता था एज कॉपर्सनर्स, तो इस अमेंडमेंट से फीमेल जो है उनको भी बाय मैटर ऑफ देयर बर्थ जो है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के लिए कॉपर्सनर राइट जो है वो दिए गए थे. एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो मैरिजेबल एज क्या है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग? इट इज मेल 21 एंड फीमेल 18, ठीक है. तो आंसर वुड बी ए. अब इसमें याद रख लेना, हमारे पास पहले भी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पुराना वाला 1929. इसके अकॉर्डिंग एज क्या थी? गर्ल्स शुड बी 14 एंड बॉयज 18. एंड इस एक्ट को क्या बोला जाता था? शारदा एक्ट, ठीक है. तो एग्जाम में हो सकता है शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, ऐसे करके सीधे क्वेश्चन आ जाए. द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इट इज रिलेटेड टू योर इंटरफेथ मैरिजेस.
Which article of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law to all citizens, including women? तो वो कौन सा एक्ट है? That is your कौन सा आर्टिकल है? That is your article 14. तो आर्टिकल 14 जो talks about equality before law, ठीक है. आर्टिकल 15 है, ये कहता है कि आप पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 है, कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है आपका आर्टिकल 16. एंड आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? आपके एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. Which article of the Indian Constitution prohibits discrimination? अच्छा, ये वही क्वेश्चन. तो इसका आंसर वुड बी आर्टिकल 15B. एंड विच आर्टिकल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो आंसर वुड बी आर्टिकल सी, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया. विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज अ DPSP? तो ये सारी चीजें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई हुई हैं. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली डायरेक्ट द स्टेट टू एंश्योर दैट मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, तो DPSP में एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? ये डिस्कस हुआ है आर्टिकल 39A. तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए फॉर एडिक्वेट. ठीक है, और 39D इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. What article does 51AE of the Indian Constitution emphasize in relation to women rights? तो आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज. ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, तो उसका जो ये पार्ट है रिलेटेड टू वुमेन वो कौन सा है? सी आंसर. इट इम्पोज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑन सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इज ट्रू? Unmarried women are allowed to terminate pregnancy up to 20 weeks. They are not allowed or are allowed, but the doctor has to report the case to National Commission for Women. None of the above. The answer would be A. तो ऐसी हमने कोई बात नहीं पढ़ी कि डॉक्टर को कहीं रिपोर्ट करना होगा वो केस. The international document serves as the primary framework for the children's right worldwide. तो कौन सा है वो? That is the Convention on the Rights of Child. When was the Convention on the Rights of Child adopted by UNGA? तो कब adopt हुआ था? 1989 में. इसको short में UNCRC और simply CRC भी बोलते हैं, Convention on the Rights of Child. Which of the following is a key principle of the Convention on the Rights of Child? ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो आपका UNCRC है उसका key principle क्या है, वो किस पे काम करता है? Primacy of economic growth? नहीं. Preservation of cultural practices? No. Educational attainment? No. तो best interest of the child, तो जो बच्चे का best interest है, ये बात करता है दरअसल best interest principle की, जो हमने video lectures में discuss किया हुआ है कि आपको अगर development करनी है तो that should be based on the interest. तो जो चीज सबसे ज्यादा favor में काम करेगी बच्चे के, best interest principle. आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू CRC चिल्ड्रन हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कौन कौन सा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज, या हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस? तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक कहीं पे होता है कि बच्चे को बलि चढ़ाना एंड ऑल, वैसी कोई प्रैक्टिस हो, इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉयट करना, भीख मंगवाना, या ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकली टॉर्चर करना और मेंटली टॉर्चर करना. Which article of the Indian Constitution provides free and compulsory education to all the children between the ages of 6 to 14? तो कौन सा आर्टिकल है? That is article 21A. तो एक अमेंडमेंट हुई थी, एक अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था. ठीक है, तो वो अमेंडमेंट कौन सी थी वो आगे के क्वेश्चंस में मैंने कहीं लिखा होगा. The Right to Education Act 2009 in India mandates free and compulsory education किस एज ग्रुप के लिए? आंसर वुड बी बी, 6 to 14. Which Indian law specifically prohibits the employment of children before the age of 14 in the hazardous occupations? ठीक है, तो कौन से ऐसे एक्ट से ये किया गया है? ये किया हुआ है आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. Which of the following rights is not specifically mentioned in the Convention on the Right of Child? तो UNCRC और सिंपली CRC में कौन सा राइट मेंशन नहीं है?
राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज भी है, राइट टू पार्टिसिपेशन भी है, राइट टू वोट जो है बच्चे के लिए वो कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है. विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्राइमरी यूएन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन राइट्स ग्लोबली. ये मैंने पहले आपको बोला WHO का काम, मैंने कहा नहीं हेल्थ से रिलेटेड है, ये है एजुकेशन आपका, साइंस, आर्ट, कल्चर, उनको प्रमोट करना, पीस थ्रू कॉपरेशन अमंग दीज थिंग्स, एजुकेशन, साइंस, आर्ट, कल्चर. यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रन राइट, मैंने आपको कहा. एंड आपका UNHCR इज UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है. तो ये रिफ्यूजीज का ये भी आपके काम का नहीं है. आंसर वुड बी सी यूनिसेफ, यहाँ पे आंसर वुड बी सी राइट टू वोट. आपको आंसर सही से पता चल रहा है ना साथ साथ कौन से. अंडर द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड एट व्हाट एज डज एन इंडिविजुअल सीज टू बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड, ठीक है. तो किस एज तक उसको बच्चा कंसिडर किया जाएगा, आंसर वुड बी बी 18. तो व्हेन वॉज सती अबॉलिश्ड, इट वॉज अबॉलिश्ड इन नहीं यहाँ पे गलत हो गया, इट इज 1829, ठीक है, करेक्ट कर लेना. तो सती को कब अबॉलिश किया था, इसको अबॉलिश किया था थ्रू बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, ठीक है. और टू बी मोर स्पेसिफिक, एक एक्ट लाया था December 4th, 1829 जितना भी याद रखो तो चल जाएगा. एंड किसने लाया था ये, उनका नाम था विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक आपके हिस्ट्री का पार्ट भी, इसीलिए थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया. एंड फ्रीडम फाइटर सबसे ज्यादा इसमें किनका नाम काउंट होता है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द UNCRC डील्स विद द सेक्सुअल अब्यूज एंड द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है. तो UNCRC के किस आर्टिकल में सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई है, वो ये आर्टिकल 34, 35 एंड 36, आर्टिकल 34, 35, 36 ऑफ UNCRC, ठीक है, हमारे आर्टिकल्स नहीं. यूनाइटेड नेशन ने कौन सा ईयर प्रोक्लेम किया था एज अ ईयर ऑफ द चाइल्ड, इट वॉज 1979. विच इज द मेन पिलर ऑफ UNCRC, तो UNCRC ने आपको पढ़ाया था, इट इज सेंटर्ड अराउंड 4 पिलर्स. एक आपका राइट टू सर्वाइवल है बच्चे को, राइट टू प्रोटेक्शन है, राइट टू डेवलपमेंट है, दैट मीन आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, एंड फोर्थ वन इज राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू पार्टिसिपेशन. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब रेटिफाई किया था CRC को, उन्होंने इसको रेटिफाई किया था 11th December 1992, ठीक है, ये भी याद रख लेना. और साथ में ये भी कि UNCRC जो है इसको कब अप्रूव किया था UNGA ने, व्हेन वाज इट अप्रूव्ड, तो ये दो अलग डेट्स हैं, ठीक है. UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 20th November 1989, तो ये दोनों डेट्स आप याद रख लेना. इंडिया ने रेटिफाई किया था 11th December 1992 और इसको अप्रूव किया था 20th November 1989 में. Which of the Sustainable Development Goal talks about ending child labor in all forms by 2025? This is your target 8.7. What urgent action does ILO Convention number 182 require countries to take? तो आपको देखो इसको क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा. एक अर्जेंट एक्शन बोला गया था कंट्रीज को लेने के लिए, तो वो क्या था, एलिमिनेट करो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर इमीडिएटली एंड इफेक्टिवली. तो इन दो कीवर्ड से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होगा. तो ये क्वेश्चन डालने का, खासकर इसको ऐसा फॉर्म करने का मतलब भी क्या था, ताकि आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन के, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पे क्वेश्चन के कीवर्ड में आंसर कहीं ना कहीं छुपा होगा, तो अगर आपको नहीं आएगा वैसे करके ढूंढने की भी कोशिश कर सकते हो. और कौन सा दूसरा कन्वेंशन हमने कहा था, कन्वेंशन नंबर 138. ये दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन मैंने कहे थे आप, मतलब पढ़ाए हैं आपको, मेरे PDF में भी हैं. तो क्या था इन कन्वेंशन का, दूसरे का क्या मतलब ना, ये था उसका एम प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है. और 182 ने कहा था इमिडिएटली इसको एंड करो. What type of work is exempted under ILO Convention number 138 allowing minors to engage in it? तो ILO 138 में एक हमने पढ़ा progressive elimination of child labor, और दूसरा क्या था कि किस चीज में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, that is a light work and artistic performances. Child labor comes under which article of Indian Constitution? Article 24, Article 23 is related to human trafficking. Article 20 किसका था,
प्रिवेंशन ऑफ कन्विक्शन टू ऑफेंसेस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 21 इज योर राइट टू लाइफ. हाँ ये देखो मैंने कहा था, आगे मैंने मेंशन किया होगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है दैट हैज मेड राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A. द आंसर वुड बी बी कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स इज प्रोहिबिटेड फॉर चिल्ड्रन अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड लेजिस्लेटिव एक्ट 1986. तो कौन सी प्रोहिबिट की गई है, वर्किंग इन अ फैमिली बिजनेस ये अलाउड है, बेबी सिटिंग एट होम ये भी कर सकते हो, गार्डनिंग इन अ पब्लिक पार्क ये भी नॉर्मल है. आंसर वुड बी बी ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स गुड्स और मेल्स. वट सिग्निफिकेंट चेंज वॉज मेड अंडर चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बाई 216th अमेंडमेंट. तो क्या एक चेंज लेके आए थे, अलाउड चिल्ड्रन टू वर्क इन हैजार्डस जॉब, नहीं ऐसा कोई चेंज नहीं लाया था. ये तो पहले आपको मतलब बाय लॉजिक ही आप बोल सकते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो कि पहला ऑप्शन तो इसका नहीं होगा. ठीक है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन ऑल ऑक्यूपेशनल प्रोसेसेस. ठीक है, ये इस पर हम देखते हैं. रिड्यूसेस द मिनिमम वर्किंग एज टू 12, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था. अलाउड चिल्ड्रन टू वर्क इन द फैमिली ओन बिजनेस विदाउट रेस्ट्रिक्शंस. तो क्या इस अमेंडमेंट में ये बात हुई थी, फैमिली में अलाउ करो, फैमिली ओन बिजनेस अगर होगा किसी में बच्चा उसमें काम कर सकता है एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस है ये. तो विदाउट, हाँ फैमिली ओन बिजनेस वाला तो सही है, लेकिन विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं था. अगर नॉन हैज़ार्डस बिजनेस है तो ही उसमें बच्चे काम कर सकते हैं. तो आंसर वुड बी बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस. Under the amended Child and Adolescent Labour Prohibition and Regulation Act, what is the legal status of employing children or adolescents in the contravention of the Act? ठीक है, तो basically इसमें लिखा गया है कि ये जो हमने Child and Adolescent Labour Prohibition Regulation Act लाया था, इसके अंदर क्या legal status है उन लोगों के लिए जो इस Act को follow नहीं करेंगे. तो क्या ये minor offence है with small fine? No. क्या ये cognizable offence है? Yes. ये cognizable offence है. Answer would be B. तो कॉग्निजेबल क्या होता है, जिसमें आपका ऑफिसर इंचार्ज जो होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज, वो क्या कर सकता है, वो इमिडिएटली अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट. ठीक है, या अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है वो खुद से कर सकता है विदाउट एनी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर. तो बिना किसी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है. ठीक, तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं. तो आंसर वुड बी बी. Which of the following occupations is explicitly prohibited for children under Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986 and its amendments? तो किसको बिल्कुल ही prohibit किया गया है? Answer would be cinder picking and catering at railway station. Cinder picking is जो वो कोयले वगैरह, half burnt coal, उनके कामों के साथ कोई भी related आपकी job, बच्चों की job. According to the Child and Adolescent Labour Prohibition and Regulation Act, what is the age range defined for adolescents who are not allowed to work in hazardous occupations? तो hazardous occupations में किन लोगों के लिए, किन बच्चों के लिए जो है उनको allow नहीं किया गया है, that is your 14 to 18. इसका मतलब 14 to 18 non-hazardous occupations में काम कर सकते हैं. Non-hazardous occupation में काम कर सकते हैं. ठीक, Who has been appointed by UNICEF India as its national ambassador? तो पहले आयुष्मान खुराना थे, मैंने कहीं एक रिविजन सीरीज में बोला हुआ था, तो रिसेंटली वो चेंज हो गया, नाउ इट इज करीना कपूर. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वॉज लॉन्च इन विच ईयर? 1975. तो ये थी क्या, बेसिकली एक स्कीम थी जो लाई थी, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर नहीं. एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इम्प्रूव करना न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 प्लस प्रेग्नेंट लेडीज प्लस लैक्टेटिंग मदर्स. ठीक है, उनका न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना बच्चों का बिलो 6 प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स का. तो कब लाई थी, 1975 में. नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसको कब सेटअप किया गया था, मार्च 2007 में. अंडर द अमेंडेड पॉक्सो एक्ट प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन वाला सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है फॉर द यूज ऑफ
चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज रिजल्टिंग सेक्शुअल असॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने सिर्फ रिजल्टिंग सेक्शुअल असॉल्ट लिखा है, तो आंसर वुड बी 5 ईयर्स। फाइन, अगर ये होता सेक्शुअल असॉल्ट जिससे रिजल्टिंग इन पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन, तो आंसर वुड हैव बीन लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी पनिशमेंट कितनी थी 5 ईयर्स। ये हमने जो है कंपाइल पीडीएफ में आपको टेबल बना के मैंने दिया था वहां से एक बारी, अगर उसके आप पूरा डिटेल नहीं पढ़ो, लेकिन जो टेबल मैंने बनाया था वहां से रिवाइज कर लेना, या मेरे वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया भी यही चीज। पॉक्सो एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट्स, दे आर जेंडर न्यूट्रल, ये हर जेंडर के लिए है। फीमेल फीटिसाइड रेफर्स टू एबॉर्टिंग अ फीमेल फीटस इन द वोम्ब और किलिंग अ फीमेल चाइल्ड अप टू 1 मंथ और किलिंग अ फीमेल चाइल्ड अप टू 1 ईयर, तो ये इन्फेंटिसाइड हो जाएगा अप टू 1 ईयर वाला, ये भी इन्फेंटिसाइड में आएगा। एंड फीमेल फीटिसाइड इज दिस। वॉट वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इनएक्टिंग द पीएनडीटी एक्ट, दिस इज योर प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? रेगुलेट करना प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर मेडिकल रिसर्च पर्पजेज, नो। टू प्रमोट प्री नेटल केयर फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स, नो। तो प्री नेटल क्या होता है? जो बिफोर बर्थ आपका टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी, उसमें आपका केयर, इसको एंटी नेटल भी बोलते हैं। टू प्रोहिबिट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस एंड कर्ब फीमेल फीटिसाइड, यस द आंसर वुड बी सी। विच डेट मार्क्स द इनैक्टमेंट ऑफ पीएनडीटी एक्ट, तो पीएनडीटी एक्ट को कब लाया था? मैंने ऊपर ही आपको बताया 1994, तो आंसर ऑब्वियस है, इट वुड बी बी 20th September 1994। वट वॉज पीएनडीटी एक्ट, वेन वॉज पीएनडीटी एक्ट अमेंडेड, तो ये अमेंड बन के क्या बन गया था फिर? अमेंड होके पीसीपीएनडीटी, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ठीक है, तो इसको कब अमेंड किया था? इसको अमेंड किया था 2003 में। विच वॉज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट टू द पी सी पी एन डी टी एक्ट। अब पी एन डी टी एक्ट आया था 1994 में, वहां से लेकर 2003 तक जब तक हम आ गए थे तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हुई थी, तो अब आपके पास ऐसी सारी टेक्निक्स थे जिससे आप डिटर्मिन कर सकते थे सेक्स ऑफ द फीटस। ठीक है, तो हमारे ज्यादा रेगुलेशन लाने पड़े थे स्ट्रिक्ट करने के लिए उन्ही टेक्नोलॉजीज को। तो प्रमोट करना प्री नेटल केयर, नहीं। लीगलाइज करना प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स, नो। लीगलाइज क्यों करेगा, ये तो उसको रोकने के लिए था ना। टू रेगुलेट द सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड साउंड मशीन फॉर मेडिकल पर्पजेज, नो। इट वॉज टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड एमनियोसेंटेसिस फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस। ठीक है, अल्ट्रासाउंड को भी प्रोहिबिट करो डिटर्मिन करने के लिए सेक्स ऑफ द फीटस एंड एमनियोसेंटेसिस को भी। अल्ट्रासाउंड हमें पता है यूएसजी, एमनियोसेंटेसिस होता है जो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, बेसिकली वोम के अंदर। उस एमनियोटिक फ्लूइड का आप थोड़ा सा एक उसको सैंपल ले लेते हो, ठीक है, वहां से भी जो सेक्स ऑफ द फीटस है वो डिटर्मिन हो सकता है। विच सुपरवाइजरी बॉडी वॉज एम्पावर्ड बाई द अमेंडमेंट्स टू द पी सी पी एन डी टी एक्ट टू सी ओवर सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन एट द सेंट्रल लेवल, दैट वॉज सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। वट सिग्निफिकेंट चेंज वॉज मेड ड्यूरिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस अंडर द अमेंडमेंट अमेंडेड पी सी पी एन डी टी एक्ट, तो क्या सिग्निफिकेंट चेंज लाई थी इसके अंदर? जो ऑफेंसेस थे उनको कॉग्निजेबल बनाया हुआ था। कॉग्निजेबल क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब देखो, ये क्वेश्चंस आई होप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, उनको ये सारे क्वेश्चंस, एटलीस्ट अगर उन्होंने रिवीजन सही से किया है उनसे भी सॉल्व होने चाहिए। जो रिवीजन सीरीज सिर्फ फॉलो करते हैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस उनसे सॉल्व होने चाहिए, एंड जो सिर्फ मेरा ये एमसीक्यू ही देख रहे हैं उनके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये पर्पज है इस एमसीक्यू वीडियो का। व्हाट रोल डज द नेशनल कमिटी प्ले इन द रिलेशन टू पी सी पी एन डी टी एक्ट, तो वो क्या करता है? वो मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एट द नेशनल लेवल। What was the purpose of providing for more stringent punishment under the amended PCPNDT Act? तो क्यों ज़्यादा जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है वो लानी पड़ी थी? प्रमोट करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए डॉक्टर्स को फ्रॉम परफॉर्मिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, या प्रमोट करने के लिए यूज ऑफ प्री नेटल? प्रमोट तो नहीं करना था, लीगलाइज भी नहीं करना था, एनकरेज पेरेंट्स टू सीक प्री नेटल केयर ये भी नहीं करना था, टू डिस्करेज डॉक्टर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। What is the sex ratio in India as per census 2011? क्या है सेक्स रेशियो? 943। What is the sex ratio in J&K as per census 2011? वो क्या है? That is 889। कई वेबसाइट से मैंने देखा 880 भी लिखा हुआ है, लेकिन 889 है, 880 is wrong। Which committee was constituted to control the unsafe abortions in India 1960 में किसको constitute किया गया था control करने के लिए unsafe abortions? This is your Shantilal Shah Committee। What was the child sex ratio in J&K as per census 2011? And this was
862। तो जो भी सेंसस का डेटा मैं बोल रही हूँ ये मैंने पीआईबी की वेबसाइट से लिया हुआ है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें डेटा वगैरह आता है, तो ये तो ऑथेंटिक डेटा है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गूगल करोगे तो काफी डिफरेंट डेटा भी मिल सकता है, वो आपको नहीं देखना है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022, हाउ मेनी पीपल ग्लोबली यूज कैनाबीज इन 2020। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मेरे नोट्स भी मेंशन है, इट्स 209 मिलियन। ड्यूरिंग विच एम्पायर्स रेन वॉज ओपियम कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन मालवा एंड मेवा रीजन ऑफ इंडिया, दिस इज योर अकबर। इन एंशियंट इंडिया विच टेक्स्ट मेंशन द यूज ऑफ ओपियम फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, किस टेक्स्ट में ओपियम का जिक्र हुआ है कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता था, दिस इज योर धन्वंतरी निघंटू। Which of the following statements is true regarding Dangerous Drugs Act? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट वॉज पास इन 1928। नो, ये पास हुआ था 1930 में। इट कंट्रोल्ड ड्रग कल्टिवेशन एंड ड्रग कल्टिवेशन मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन, नहीं, कंजम्पशन की बात जो थी वो NDPS एक्ट में हुई थी, NDPS, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। ठीक है, और ये 1930 में पास हुआ था। द एक्ट प्राइमरीली अप्लाई टू द ड्रग्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स सच एज पॉपी, हेम्प, कोकोआ। हेम्प इज अ भांग, ये कैनबीज फैमिली का ही है, तो दिस वन इज करेक्ट। तो आंसर वुड बी ओनली सी इज करेक्ट, ये दोनों गलत है। Which act prohibited the cultivation, production, sale, purchase, trade, export, import, use, consumption of psychotropic and narcotics except for scientific and medical purposes? ये है आपका NDPS Act 1985, तो ये उस एक्ट की डेफिनेशन ही है। क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंसिंग जो है वो इस एक्ट में कब लाई गई थी, किस अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी? इट वॉज ब्रॉट अंडर द अमेंडमेंट एक्ट 1989। हाउ मेनी टाइम्स NDPS एक्ट हैज बीन अमेंडेड टिल डेट, तो कितनी बार ये अमेंड हुआ है? तीन बार अमेंड हुआ है, 1985 में लाया था, फिर 1989 में अमेंड हुआ, 2001 में अमेंड हुआ एंड 2014 में। तो डिफरेंट अमेंडमेंट्स में फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड हुई जिसकी डिटेल हमने लेक्चर्स में कवर किए। NAPDDR वॉज प्रिपेयर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसको शॉर्ट में MOSJEB लिखा जाता है, यहाँ पे एम्पावरमेंट की स्पेलिंग गलत है, PO। नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च अंडर अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वट सिग्निफिकेंट इंक्लूजन डज द मेंटल हेल्थ केयर 2017 मेक रिगार्डिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स? ठीक है, तो SUDs के रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ केयर में क्या इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी? तो बोला गया था कि SUDs जो है उनको इंक्लूड करो इन द डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। और ऐसा क्यों किया गया था? अगर आप इसके ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी चीजें देखो, इनके रिलेटेड चीजें जो हैं, दे आर बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। ठीक है, क्योंकि अगर ड्रग आपके स्टेट में आ रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, कहाँ से आ रही है, सप्लायर कौन है, कंज्यूमर कौन है, वो सारी चीजें जो है ये लॉ देखेगी। ठीक है, तो इसको लॉ एंड ऑर्डर इशू भी समझा जा सकता है। लेकिन अब जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो उनकी लाइफ बेचारों की फिर काफी, वो लाइफ ही उनकी स्पॉइल हो जाती है, उनको काफी केयर करना पड़ता है, बाद में रिहैबिलिटेट किया जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजा जाता है, ताकि वो दोबारा नॉर्मल हो पाए, जिसके चांसेस भी काफी कम होते हैं, कुछ ही केसेस उसके सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, तो अब किसी ने ड्रग्स ले ली है, वो इस प्रॉब्लम में है, उसको आप मेंटली इल ट्रीट करो, इसका ये मतलब हो कि उसको आप बेटर केयर दो, उसके साथ एम्पैथी दिखाओ। ठीक है, ना कि उसको लॉ एंड ऑर्डर इशू समझ के उसको वहां पे उसकी मारपीट करते रहो, आपको उसके साथ एक नरमी वाले एंगल से पेश आना होगा। हाउ डज MHA 2017 प्रोटेक्ट पर्सन विद एडिक्शन इन मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट? तो कैसे उनको प्रोटेक्ट करता है? बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम क्रूअल इनह्यूमन ट्रीटमेंट। इसीलिए उनको क्या किया गया है, मेंटली इल जो है, मेंटल इलनेस उसमें इंक्लूड किया गया है। What body is responsible for the periodic evaluation of mental health establishment under MHCA 2017? वो कौन सी body है periodic evaluation जो करती है? That is your state mental health review boards. Barbiturates and tranquilizers, they are classified as depressants. ठीक है, ये मैंने lecture में explain किया था आपको। Depressants basically जो आपके brain का एक part जो है उसको dull कर देते हैं, brain के एक part आपको signal जो है body brain से receive नहीं करती है। The inclusion of SUDs in MHCA, अच्छा यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, नार्कोटिक्स कौन से होते हैं? अगेन ये पेन सप्रेसर होते हैं। ठीक है, एंड स्टिमुलेटर्स कौन से होते हैं? जो कुछ एक्टिवेट करते हैं कोई चीज, आपको कैफीन वगैरह, ठीक है, आपको एनर्जेटिक करने के लिए। हेल्यूसिनेशन होता है, वो वाले ड्रग्स होते हैं जो आपको हाई कर देते हैं, हाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, HIGH, कि आपको समझ में नहीं आता, आपको हेल्यूसिनेशन हो रहे होते हैं, आपको जो रियलिटी से आप थोड़ा दूर ले जाते हो, आप ले जाता है आपको, ठीक है, वो कुछ दिखाई देता है जो रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो आपके हेल्यूसिनोजन होते हैं। तो इस हर कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आते हैं?
वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, मैंने आपको वीडियोज में एक्सप्लेन किया है रिविजन सीरीज में भी, और नहीं वो एक्चुअल लेक्चर्स में नहीं है, वो रिविजन सीरीज में मैंने ऐड किया था ये। द इंक्लूजन ऑफ एस यू डीज इन एम एच ए 2017 हाईलाइट्स दीज डिसऑर्डर्स एज प्राइमरीली व्हाट टाइप ऑफ इशूज, तो लॉ एंड ऑर्डर इशूज, मैंने कहा नहीं इसको वैसे ट्रीट नहीं करो, इकोनॉमिक भी नहीं, एजुकेशनल भी नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज नॉट नॉट फाउंड इन द ओपियम पॉपी, तो कौन सा नहीं होता है, एस्पिरिन, मॉर्फिन, कोडिन, थायबीन है। अगर आपको नहीं भी पता होगा नाम से देखो इन 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 लग रहा है ना, सेम फैमिली के होंगे, तो एस्पिरिन आंसर है। What properties do the alkaloids morphine and codeine found in opium primarily have? Analgesic and antitussive, again हमने discuss किया हुआ है। Analgesic आपकी pain relief होती है and antitussive होती है जो cough वगैरह में आपको relief देता है, ठीक है। What is the status of cannabis consumption in India? तो क्या status है? Central government has completely forbade its consumption. No, it is completely legal नहीं consumption of it. अगर जो cannabis family है ना, bhang वगैरह जो है उसी family का part आता है। तो कैनबीज में जो भांग है उसकी कंजम्पशन अगर हम करते हैं, इफ इट इज मेड फ्रॉम लीव्स, तो क्या वो लीगल है? हाँ। और अगर वो जो भांग के टॉप से बनता है, जो उसके प्लांट का टॉप वाला हिस्सा होता है, वहां से अगर आप भांग बनाओगे तो दैट इज नॉट लीगल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको वीडियोज में डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर वुड बी सी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स? दिस इज योर सी, आर्टिकल 47। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ गोल्डन क्रिसेंट? तो गोल्डन क्रिसेंट के में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो ये बेसिकली होता क्या है, देखो ये आपकी कंट्री है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे तीन कंट्रीज आती है, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। यहाँ से ड्रग्स की सप्लाई बहुत होती है। एंड आपका इस साइड में आता है गोल्डन ट्राइंगल, जिसमें आपकी चार कंट्रीज आती हैं, लेओस, वियतनाम, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग जो है इन एरिया से काफी इजी हो जाती है। तो गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट कौन से है? आंसर वुड बी ए, ये आपका गोल्डन ट्राइंगल है। नेशनल एंटी ड्रग एडिक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती होती है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ कैनाबीज इन इंडिया? कैनाबीज का लीगल स्टेटस क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ कैनाबीज आर लीगल? नो। भांग इज एक्सक्लूडेड एंड रेगुलेटेड बाई स्टेट लॉज? येस, द आंसर वुड बी बी, इसमें जो भांग है इट इज एक्सक्लूडेड, एंड कौन रेगुलेट करता है इन चीजों को फिर बाद में? आपकी स्टेट्स। द एक्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैनाबीज प्लांट? नहीं। एंड इट अलाउज रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनाबीज? नो। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अलाउ कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ हैम्प? हैम्प इज योर भांग, ठीक है, दिस इज योर उत्तराखंड। विच इंटरनेशनल कन्वेंशन इन्फ्लुएंसेस द एक्सक्लूजन ऑफ भांग फ्रॉम द एनडीपीएस एक्ट एक्ट डेफिनेशन ऑफ कैनाबीज? ठीक है, तो बेसिकली जो इंडिया है, इट इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू 3 इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। उसमें आपका जो आंसर है, इसमें आपका आंसर आएगा 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, जिसमें एक्सक्लूजन ऑफ भांग की जो है वो बात हुई है। एंड जो बाकी दो कन्वेंशन हैं वो ये हैं। फर्स्ट स्कूल इन जम्मू एंड कश्मीर टू इम्प्लीमेंट ड्रग पॉलिसी, दिस इज योर पुलिस पब्लिक स्कूल। ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम DDAP 1988 वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय? किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। What is the most common method used for drug addiction treatment in India? Most common method is your pharmacotherapy. Basically, इसमें क्या होता है, अगर किसी की ड्रग डिपेंडेंस हो गई होती है, तो उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव लीगल ड्रग जो है, कोई लीगली सब्सिट्यूट, उसका लीगली प्रिस्क्राइब्ड सब्सिट्यूट जो है उसके ड्रग की जगह उसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में देते हैं, ताकि वो जो डिपेंडेंसी है उसको वो आहिस्ता एकदम भी कम नहीं करें। एंड अगर आप एकदम से कोई ड्रग्स ले रहा होगा, उसके ड्रग्स एकदम से बंद हो जाएंगे, तो उसकी जान के लिए भी खतरा होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई सब्सिट्यूट लाते हैं उसका जो लीगली प्रिस्क्राइब्ड होगा, और उसको उसकी जगह उससे ड्रग से रिप्लेस कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग नॉट अ कॉमन ड्रग डी एडिक्शन मेडिकेशन, दिस इज योर डाइजेपॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम्स इन इंडिया एम्ड एट प्रिवेंटिंग रिलैप्स एंड प्रमोशन लॉन्ग टर्म रिकवरी, ठीक है। तो क्या एक क्रूशियल एस्पेक्ट है ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम का? दिस इज कम्युनिटी आउटरीच, के लोगों के बीच में जाना एंड उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना इस बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज अब्यूज ड्रग्स इन इंडिया, कौन से सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज किए जाते हैं? दिस इज योर कैनबीज, हीरोइन, ओपियम एंड इंडियन प्रोड्यूस फार्मा ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ड्रग डी एडिक्शन मेडिकेशन इन इंडिया? अच्छा ये हो गया था, मैंने कहा था डाइजेपॉम इसका आंसर है डी।
विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ नोडल मिनिस्ट्री फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन इन इंडिया. नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जो इस सारी चीजों को हैंडल करती है? दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, तो यहाँ आपका 300 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 300 पहले 3 यूनिट्स के. ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम यूनिट 4th कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊंगी यूनिट 5 का, फिर यूनिट 5 के एमसीक्यू, देन उसके बाद स्कीम्स. तो ये सारा टाइम रहते कंप्लीट हो जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छे से एक और जो है क्विक रिविजन एमसीक्यूज का भी कर सकें. एंड मैं उस टाइम पे आपको कीज वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी जब आपको फाइनल रिविजन करना होगा, अभी नहीं. ठीक है, तो जिसने एनालिसिस देख लिया उसको तो आंसर कीज की वैसे जरूरत भी नहीं है. तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.